हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं 20 से समाज विज्ञान का पेपर लेके आए हैं, जो रियल पेपर है। देख सकते हैं दोस्तों, आप प्रश्न क्रमांक पहला देख सकते हैं, सही विकल्प चुनिए। ये है पहला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर यहाँ पास है दोस्तों। दूसरा भी देख लीजिए, तीसरा भी देख लीजिए दोस्तों, चौथा आप जल्दी देख लीजिए दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जल्दी जल्दी देख लीजिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ऐसा आंसर भी दिया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, चलते हैं प्रश्न क्रमांक चार दोस्तों, देख सकते हैं आप, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको सही जोड़ी लिखा गया है, आप जल्दी से चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सत्य सत्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर टिक मारा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। आप प्रश्न क्रमांक 6-7 प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, फिर हम इसका उत्तर बताने जा रहे हैं। प्रश्न देख सकते हैं आप, जल्दी जल्दी प्रश्न नोट कर लीजिए दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न के उत्तर की ओर, जो हमारा प्रश्न क्रमांक 10वां का उत्तर है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना तथा भविष्य में संसाधन की उपलब्धता को ध्यान रखकर वर्तमान समय में फिर जाने वाले विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ग्राहमक उत्तर यहाँ दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय वह आय है जो किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय से देश की जनसंख्या को उसे विभक्त किया जाता है। ये है दोस्तों इसका आंसर यहाँ पास पूरा दिया हो, देख सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर, जो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर ये है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका आंसर यहाँ पास है दोस्तों, 13वां का। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पास है दोस्तों, आप देख सकते हैं अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 15वां, सामाजिक विभाजन किस तरह से रोजगार राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पास है दोस्तों, दो पॉइंटों में डिवाइड किया गया है, 1-2, आप इसे जल्दी जल्दी से देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बैलो बीबो में जन आंदोलन क्या हुआ, भारतीय कारण बताइए। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पास दिया हुआ है, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। और जिस कोई भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। 18वां का उत्तर ये है दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों अच्छे से, इनको नोट कर लीजिए, 1-3 पॉइंटों में दिया गया है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए। ये है दोस्तों प्रश्न, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और इनके आंसर हम दिखा ही चुके हैं आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।